मैं लेके आई हूँ एक कंपैरिजन वीडियो जिसमें मैं कंपेयर करने वाली हूँ दो फाउंडेशंस को। तो पहला जो मेरे पास फाउंडेशन है वो है यहाँ पे मेबलिन का फिट मी, और दिस इज फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन। ये जो है ये नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, और यहाँ पे जो मेरा शेड है वो है 220। और इसको जिसके साथ मैं कंपेयर करने वाली हूँ वो है फेसेस कैनेडा का, दिस इज फेसेस कैनेडा का वेटलेस मैट फिनिश फाउंडेशन। और ये जो है इसमें मेरा जो शेड नंबर है वो है 03B। तो आइए देख लेते हैं इन दोनों का कंपैरिजन। तो स्टार्ट करते हैं मेबलिन की पैकेजिंग से। तो मेबलिन फिट मी जो है ये ट्यूब फॉर्म में ही आता है, थोड़ी सी बल्कि पैकेजिंग है। इसमें 18 ml प्रोडक्ट आपको मिलेगा 299 rupees में। इसकी जो शेड रेंज है वो थोड़ी बहुत बेटर है, 6 आपको यहाँ पे शेड्स मिल जाएंगे, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग कलर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 3 years की। इसमें आपको जो है SPF 22 मिल जाएगा, तो ये UV प्रोटेक्शन भी करेगा। साथ में जो है इसमें क्ले यूज़ किया हुआ है जिसकी वजह से मैटिफाइंग लुक आपके फेस पे आएगा, तो ऑयली स्किन वाले से ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फेसेस कैनेडा की। तो ये कार्डबोर्ड की पैकेजिंग में आता है, साथ में ये जो है स्लीक सी इसकी आपको ट्यूब मिलेगी, पूरी ब्लैक कलर की ट्यूब है। और ये जो है इसमें लिखा हुआ है कि ये एंटी एजिंग एंड इसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स हैं। 18 ml प्रोडक्ट आपको 199 rupees का मिलेगा। शेड रेंज की अगर मैं बात करूँ तो 4 शेड आपको मिलते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर पैकेजिंग देखी जाए तो ये जो मेबिलिन वाला ट्यूब है वो थोड़ी सी बल्की पैकेजिंग है एज़ कम्पेयर टू फेसेस कैनेडा। हालांकि सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको मिल रहा है, 18 ml दोनों में प्रोडक्ट है, लेकिन आप पैकेजिंग में डिफरेंस क्लियरली देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टेक्सचर एंड फिनिश की। तो यहाँ पे मैंने ये जो लिया है ये है मेबिलिन का, और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली ये स्किन के ऊपर ग्लाइड कर रहा है, एंड इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी थिक है। दूसरी तरफ अगर मैं फेसेस कैनेडा की बात करूँ तो एकदम से जो है ट्यूब में से प्रोडक्ट निकल गया, थोड़ी सी लिक्विडी इसकी कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी, एंड आप देख सकते हैं इसकी कवरेज भी आपको इवन दिख रही है, कितना शीयर कवरेज है इसका। उसके अलावा अगर यहाँ पे मैं टोन्स की बात करूँ तो जो मेबलिन वाला है उसमें थोड़ी सी कोरली पीची टोन्स आपको मिलेंगी, और जो मैंने फेसेस कैनेडा में यूज़ किया है वो जो चूज़ करा है उसकी अगर आप टोन देखें, अंडरटोन देखें, तो आपको हल्की सी येलोइश कलर की अंडरटोन दिखेगी। ये मैंने आपको नेचुरल लाइट में दिखाया था, एंड ये आर्टिफिशियल लाइट में आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर ब्लेंडेबिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर लिया है, एंड इससे मैं हल्के हल्के डैप करके जो है स्किन के ऊपर इसको ब्लेंड करने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी तरफ अगर हम फेसेस कैनेडा वाले की बात करें तो थोड़ा सा लिक्विडी था जिसकी वजह से प्रोडक्ट आपको ज़्यादा चाहिए होगा, एंड ये स्पंज भी बहुत जल्दी इस प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो काफ़ी जल्दी फेसेस कैनेडा वाला फाउंडेशन आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो जो आपका मेकअप स्पंज ही है, ब्यूटी ब्लेंडर ही है, वही एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ब्लेंड दोनों ही काफ़ी अच्छी तरीके से स्किन में हो गए हैं, एंड आप यहाँ पे इसको नेचुरल लाइट के अंदर देख सकते हैं। कवरेज भी यहाँ पे साफ दिख रहा है, जो मेबलिन वाला है उसका हाई कवरेज है एज़ कम्पेयर टू फेसेस कैनेडा वाला। अब मैं इसको जो है अपने फेस पे लगा के आपको डेमो करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है मेबलिन वाली साइड कौन सी है और फेसेस कैनेडा वाली साइड कौन सी है। तो मेबलिन की अगर बात करें तो काफ़ी स्मूथली जो है स्किन के ऊपर ग्लाइड करता है, यहाँ पे आप जो है कवरेज भी देख सकते हैं अच्छी तरीके से, इसने ब्लेंड भी हुआ है ये, साथ ही साथ कवरेज भी काफ़ी अच्छी खासी इसने दी है, एंड मेरे ख्याल से तो ये अफोर्डेबल प्राइस में काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है। एंड आप यहाँ पे क्लियरली जो है विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं मेरे दोनों साइड में। अब दूसरी साइड जो है मैं फेसेस कैनेडा वाला फाउंडेशन लगा लेती हूँ, तो थोड़ा सा रनी है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कितनी जल्दी जो है ये ज़्यादा प्रोडक्ट निकल जाता है, बट कोई बात नहीं, ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसको भी मैं यहाँ पे डॉट फॉर्म में अच्छे से लगा के ग्लाइड कर रही हूँ स्किन के ऊपर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट निकल गया है। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे जो है स्मूथ आउट करने की कोशिश करूँगी।
यहाँ पे आपको नेचुरल लाइट में दिखा देती हूँ। मेबिलिन वाली साइड में अगर देखें तो पोर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से इसने फिल करा है एंड मैटिफाइंग लुक भी साथ में दे रहा है, जबकि फेसिस कैनेडा वाला जो साइड है उसमें ऐसा कुछ भी इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस करी कि इसमें कवरेज जो है फेसिस कैनेडा का बिल्कुल शेयर कवरेज है, और यहाँ पर जो है मुझे स्वेटिंग भी इस साइड में ज़्यादा आ रही है। मैं यहाँ पे छोटा सा कंपैरिजन डाल दे रही हूँ एंड अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि क्लियर विनर कौन है। एंड ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मेरा, ये ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं, ऑनेस्ट कंपैरिजन है, एंड मेरे हिसाब से जो विनर है वो है डेफिनेटली मेबिलिन वाला। एंड दैट्स इट गाइस, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।